सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे महल चौवारे यहीं रह जाएंगे सारे। फिकर किस बात की प्यारे, फिकर किस बात की प्यारे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आल अंडर राखी। सजन रे झूठ मत बोलो, वास्तव में सबको ही खुदा के पास जाना है, लेकिन झूठ ऐसा कड़वा सच है ना कि थोड़े दिन तक टिकता है, बाकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। वैसे झूठ का सहारा लेकर लोग थोड़े टाइम के लिए जीत तो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपती भी नहीं है ना। तो हमेशा सच का साथ दीजिए। झूठ का जो सहारा लेता है किसी के, चार लोगों को इकट्ठा करके या कैसे भी, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। सच हमेशा सच ही रहता है और वो सबके सामने आता भी है। जो सच्चा इंसान है वो किसी को फेस करने में कतराएगा नहीं, और झूठ का सहारा लेने वाला ना कहीं मन में गिल्टी जरूर महसूस करेगा कि हमने झूठ का सहारा क्यों लिया। पता है फ्रेंड्स, झूठ की जड़ें जो होती है ना बहुत दूर दूर तक फैली होती है, लेकिन सच जब सामने आता है ना तो उस पेड़ को, जो जड़ें है ना झूठ की, उस पेड़ को ही उखाड़ कर फेंक देता है सच। इसलिए सच हमेशा सामने आता है। हाँ, सच का साथ लोग कम देते हैं, झूठ का साथ सभी लोग खड़े हो जाते हैं। और जो लोग झूठ का साथ देते हैं ना, वो अपनी पुरानी रंजिश निकालते हैं, अपने पुराने लोग झूठ कहते हैं ना। सच का साथ आपके पीछे सच में कोई नहीं आएगा, और झूठ के रास्ते पे आपके पीछे हजार आदमी आ जाएगा। दूसरों के घरों में तमाशा बहुत देखते हैं, लेकिन सच जो इंसान सच्चा होगा बहुत कम सामने आएंगे कि जो सच का साथ दें। कोई नहीं देता सच का साथ जिंदगी में, लाइफ में। पर्सनल बात आपको बताऊं, कोई भी लाइफ में अपना नहीं है, इस बात को सोच लीजिएगा, कोई भी लाइफ में नहीं है। आज मुझे अपनी मम्मी की एक बात याद आती है। मेरी मम्मी हमेशा कहती है, बेटा पड़ोसी अड़ोसी से उतना ही रहो, कोई किसी के पखत में काम नहीं आता। ये सच्चाई है जिंदगी की, और जो इस सच्चाई को भुगत लेता है ना, वो ही समझ सकता है। किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाना, और वो भी इतने भद्दे इल्ज़ाम, कोई भी लगाता है माली, कोई भी थर्ड परसेंट है, कोई भी गंदे इल्ज़ाम लगा के किसी को हराता है, तो वो हार उसकी नहीं, उसकी अपनी हार है, जो दूसरों का सहारा लेकर, झूठ का सहारा लेकर दूसरों को हराया है। जिंदगी में उतार चढ़ाव फ्रेंड्स हमेशा आते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, जो लोग झूठ का सहारा देकर, झूठ का साथ देते हैं, वो अपनी पुरानी रंजिश ही निकालते हैं। ये बात फैक्ट है। और इतने लोग, अगर कोई भी है मान लीजिए थर्ड परसेंट, इतने लोगों में कोई इंसान आज की दुनिया में वास्तव में सच्चाई नाम की चीज रही नहीं है। लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना और झूठ बोलना बस यही रह गया है, और बाकी मुझे लगता है जिंदगी में किसी पे भरोसा मत करना, किसी पे भी, समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो भरोसा ऐसी चीज है कि आज के टाइम में हम किसी पे क्या, किसी पर भी नहीं कर सकते। और मेरी मम्मी की एक बात मुझे हमेशा याद आती है, वो यही कहती है, बेटा अनूप, मेरे हस्बैंड का नाम है अनूप, और तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे ही, और किसी कोई दुनिया में नहीं होता। ये बात फैक्ट है। बड़े बूढ़ों की, घर के बुजुर्ग समझदार हो ना, तो घर में वास्तव मेरी मम्मी इतनी अच्छी सीख देती हैं, और वो बात सच साबित भी होती है आगे चल करके। मेरी लाइफ इतने टाइम रह करके पड़ोसियों से, सबसे टर्म्स इतने अच्छे बनाते हैं कि अपने रिलेशन में भी इतने अच्छे टर्म्स नहीं होते। कहते हैं पड़ोसी ही पहले काम आता है, लेकिन वक्त में कोई काम नहीं आता। पड़ोसी हो चाहे कोई हो, सब हंसी मजाक बनाने वाले ही होते हैं, कोई किसी के काम नहीं आता। कोई भी हो, किसी के लिए आप प्राण त्याग दें, कोई किसी की एक गलती तो पकड़ लेगा, लेकिन सारी अच्छाइयाँ जो आपने की हैं ना किसी के साथ, सब भुला देगा। कितना भी करो, मेरी आदत है, मैंने सबके साथ सबके टर्म्स अच्छे रखे अपने, लेकिन सभी के साथ ऐसा होता है कि कहते हैं ना, वफा ना रास आई, तो वास्तव में किसी को वफा रास आती भी नहीं है। और आज के टाइम में जो
जो भी है जैसा भी है, सिर्फ पति पत्नी, कोई किसी का नहीं। आपका ब्लॉग मैं कंटिन्यू रखती हूँ, और प्लीज फ्रेंड्स झूठ से दूर रखिएगा, भले ही आप सच का साथ ना दें लेकिन झूठ के सामने भी अपने घुटने ना टेकें। झूठ का साथ दिया ना तो मन आपको जिंदगी भर कचोटता रहेगा, जिंदगी भर कचोटेगा कि झूठ का साथ क्यों दिया। अगर किसी के सच में भी हम नहीं खड़े हो सकते ना, तो किसी की झूठ में भी उसको साथ ना दें, उसको प्रोत्साहन ना दें। कोई भी है एक्स वाई जेड, ठीक है, ये तो जिंदगी का सत्य है। ठीक, तो अपना ब्लॉग मैं कंटिन्यू रखती हूँ, और गर्मी काफ़ी हो रही है फ्रेंड्स, खाने गए हुए हैं और नाश्ता भी बनाती हूँ, देखिए क्या बनता है। हल्का फुल्का ही बनाऊंगी, दलिया वगैरह सोच रही हूँ बनाने की, बना रही हूँ सब्जी वाला दलिया नाश्ते में, और इसमें शिमला मिर्च, लौकी, टमाटर ये डालूंगी, और हरी मिर्च और हल्दी वगैरह तो पड़ती ही है। और ये डालने के बाद, उसके बाद मैं मेहुल के लिए आलू का पराठा, क्योंकि मेहुल दलिया नहीं खाते हैं। तो अब मैं आ गई किचन में, और लंच मैंने आज मसूर की दाल, अभी छौंकूंगी इसको लहसुन और जीरे से और मिर्च से, और शिमला मिर्च मेरी बन चुकी हैं, और गरम गरम रोटी बनाऊंगी, चावल आज नहीं बना रही हूँ मैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे महल चौवारे यहीं रह जाएंगे सारे, फिकर किस बात की प्यारे, फिकर किस बात की प्यारे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आलंडर राखी। सजन रे झूठ मत बोलो, वास्तव में सबको ही खुदा के पास जाना है, लेकिन झूठ ऐसा कड़वा सच है ना कि थोड़े दिन तक टिकता है, बाकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। वैसे झूठ का सहारा लेकर लोग थोड़े टाइम के लिए जीत तो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ज़्यादा दिनों तक छुपती भी नहीं है ना। तो हमेशा सच का साथ दीजिए। झूठ का जो सहारा लेता है किसी के, चार लोगों को इकट्ठा करके या कैसे भी, झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, सच हमेशा सच ही रहता है, और वो सबके सामने आता भी है। जो सच्चा इंसान है वो किसी को फेस करने में कतराएगा नहीं, और झूठ का सहारा लेने वाला ना कहीं मन में गिल्टी जरूर महसूस करेगा कि हमने झूठ का सहारा क्यों लिया। बज रहा है चार, और मेरे कपड़े देखिए सूख चुके हैं एकदम। अब मैं कपड़े उतार लेती हूँ, और थोड़ा मेहुल को भूख लग रही है तो मेहुल के लिए कुछ लेने जाऊँगी, सामने ही शॉप है तो कुछ बिस्किट वगैरह की डिमांड है मेहुल की, तो कुछ लेने जाती हूँ बिस्किट वगैरह। और एसी में आते ही एकदम से मस्त लगने लगता है, वाह। देखिए मैंने आज पर्पल बिंदी लगाई है, मुझे बड़ी बिंदी रेड नहीं मिली ना, तो मैंने पर्पल लगाई है, लेकिन ब्लू है और पर्पल कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा ना। अब रे भूख भी, अब शाम की चिंता कि शाम को क्या बनाओ। आज दोपहर में संडे था तो दाल चावल बन गए, अब शाम की चिंता है कि शाम को क्या बनेगा। देखिए शायद, देखिए गर्मी से ना ब्लैक ब्लैक से हो रखा है ना ये, है ना। खाने का कुछ सामान लाई, हक्का नूडल्स खाएंगे आज, और आइसक्रीम ब्रिक लाई थी तो फ्रिज में रखने गए हुए हैं, ब्रिक लाई थी। कोल्ड ड्रिंक आजकल डेली पी जा रही है, तो एक दिन में कोल्ड ड्रिंक गायब हो जाती है। अरे समय बज गया 7:15, और मैं सबसे पहले बर्तन साफ करूंगी, उसके बाद आज हल्का फुल्का खाना बनाऊंगी, लौकी लौकी हरी मिर्च डालूंगी, और टमाटर और प्याज काट करके डालूंगी, और हल्दी धनिया कुछ गर्म मसाला, और जीरे से तड़का लगाऊंगी। बहुत ही यम्मी बनती है लौकी। और इस समय पता है हम लोग लाइट खाना ही खा रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना। समय बज गया है 7:15, और वीडियो मेरी अपलोड करने का टाइम हो गया, और बाकी पहले मैं काम फ्री हो जाती हूँ, बाकी यहाँ आज का ब्लॉग इतना ही देखा पाऊँगी। और हवा बिल्कुल बंद है, देखिए पार्क में सामने सब लोग टहलने लगे, लेकिन हवा बिल्कुल बंद है, बहुत गर्मी है। बिल्कुल 8:30 करीब बाहर जाएंगे साइकिल चलाने, तब तक मौसम और अच्छा हो जाएगा। अभी भीड़ रहने लगी पार्क में अच्छे खासी। तो मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करती हूँ,
कल कोई अच्छा सा ब्लॉग लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।